अ सर्ट एन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट सम पता नहीं मान लेते हैं सम मतलब प्रिंसिपल लेट से इट इज हंड्रेड सो सर्ट एन सम इज इन्टेड इफ द सम बिकम्स के टाइम्स ऑफ इट सेल बिन ईयर तो आफ्टर सिक्सटीन ईयर्स सम बनती है मतलब अमाउंट बनता है तो आफ्टर सिक्सटीन ईयर आफ्टर सिक्सटीन ईयर्स अमाउंट बिकम्स के टाइम्स ऑफ इट सेल मतलब अमाउंट बनती है हंड्रेड के

क्योंकि दिस इज द अमाउंट दिस इज द प्रिंसिपल दैट मीनस एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट जो रहा होगा पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट जो रहा होगा वो रहा होगा हंड्रेड के माइनस हंड्रेड अपॉन सिक्सटीन क्योंकि इतना इंटरेस्ट है सोलह साल का तो पर ईयर इट मस्ट हैव है माइनस हंड्रेड ज दिस इज अमाउंट दिस इज प्रिंसिपल सो डिफरेंस लेंगे तभी तो इंटरेस्ट तो आएगा अप ऑन सिक्सटीन बिकॉज दिस इज एवरी इयर सिंपल इंटरेस्ट ना विथ दिस डेटा वी नो दैट यहां लिखता हूं फ्रॉम दिस डेटा वी नो दैट प्रिंसिपल इज हंड्रेड एंड अमाउंट इज टू हंड्रेड के दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज टू हंड्रेड के माइनस हंड्रेड दिस इज द इंटरेस्ट फॉर फोर्टी ईयरस दैट मीन्स पर ईयर

टू हंड्रेड इज फोर हंड्रेड के और ये हंड्रेड इंटू फाइव इज फाइव हंड्रेड के सो ये हो गया थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड और ये फाइव हंड्रेड मतलब हो गया हंड्रेड के ये आ रहा है माइनस टू हंड्रेड और ये आ रहा है माइनस फाइव हंड्रेड फाइव इंटू हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड और ये माइनस टू हंड्रेड तो माइनस टू हंड्रेड को इधर लेके आते हैं तो ये होगा थ्री हंड्रेड सो के इज कमिंग नाउ दे आर आस्किंग इन हाउ मेनीम फोर के टाइम्स ऑफ इट सेल्फ के इज थ्री तो फोर के टाइम्स मीन्स फोर इंटू थ्री ट्वेल्व टाइम्स ट्वेल्व टाइम्स अगर चाहिए तो प्रिंसिपल अगर हंड्रेड है तो अमाउंट होना पड़ेगा ट्वेल्व हंड्रेड दैट मीन्स इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो जमा करना पड़ेगा वो इलेवन हंड्रेड होगा एंड एवरी ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हमने देखा है वो है हंड्रेड इंटू के के इज थ्री हंड्रेड इंटू थ्री इज थ्री हंड्रेड माइनस हंड्रेड इज टू हंड्रेड अपॉन सिक्सटीन टू हंड्रेड अपॉन सिक्सटीन इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव पर ईयर हम जो पैसा जमा करते हैं वो है ट्वेल्व पॉइंट फाइव और हमें इंटरेस्ट चाहिए इलेवन हंड्रेड का तो जो टाइम लगेगा इसमें फोर के टाइम्स होने में इन हाउ इट बिकम फोर के टाइम्स ये पूछा है तो 1100 का इंटरेस्ट चाहिए हर साल हमें 12.5 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो जो टाइम इसमें लगेगा वो लगेगा 11000 थाउजेंड डिवाइडेड बाय 125 पॉइंट हटाने के लिए जीरो में ऐड करता हूँ तो इट इज 5 से 25 से कैंसिल करोगे तो 5 25 4,000 10 बच गया जीरो तो 25 4 जीरो सो so 5 से कैंसिल करोगे 5 8,400 चार बच गया जीरो 5 8,400 सो so 88 इयर्स का टोटल टाइम इस प्रोसेस में लगेगा लेकिन इसी क्वेश्चन को आप ओरली भी शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो बिना ये कुछ किए वो इस ऐसे करोगे आप। आपको पता है सम बिकम्स के टाइम्स इन सिक्सटीन ईयर्स के टाइम जब वो बनती हैं तो वो अमाउंट है अब बाद में अमाउंट बनता है टू के टाइम्स मतलब पहले अमाउंट बन रहा था के टाइम अब अमाउंट बन रही है टू के टाइम्स दैट मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट जो हो रही है वो इन दो केसेस के बीच का डिफरेंस जो एक्स्ट्रा अमाउंट में आ रहा है वो बेसिकली इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा ईयर्स का यहाँ पे सिक्सटीन ईयर्स का टाइम था यहाँ फोटी ईयर्स का टाइम है दैट मीन्स ये वेट बिकॉज ऑफ वेटिंग फॉर एक्स्ट्रा ट्वेंटी फोर ईयर्स वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा के रुपीज क्योंकि यहाँ के टाइम्स हो रहा था यहाँ टू के टाइम्स हो रहा है तो एक्स्ट्रा के टाइम्स के लिए हमें ट्वेंटी फोर ईयर्स का वेट करना पड़ रहा था एंड इट वॉज बिकमिंग टू के टाइम्स इन फोर्टी ईयर्स नाउ क्वेश्चन वॉज आस्किंग यू अबाउट फोर के टाइम्स दैट मीन्स अनादर टू के एक्स्ट्रा अब हमने अभी वेट पता किया था के टाइम्स का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लाने के लिए 24 फोर ईयर्स वेट करना पड़ता है तो इफ़ यू वॉन्ट अनादर टू के टाइम्स एक्स्ट्रा तो यू विल हैव टू वेट फॉर अनादर फोर्टी एट ईयर्स तो टू के टाइम्स के लिए फोर्टी ईयर्स लग रहा था तो फोर के टाइम्स के लिए फोर्टी ईयर्स के बाद और फोर्टी एट ईयर्स का वेट करना पड़ेगा दैट मीन्स एटी एट ईयर्स का टोटल टाइम लगेगा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में जब भी अलग अलग टाइम के डिफरेंस अलग अलग टाइम के वक्त के अमाउंट्स की बात करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स इज बेसिकली ड्यू टू द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दैट वी आर गेटिंग इन दैट मीन टाइम पीरियड